ये हमारे सालिक साहब इशारे इशारे में एक मैसेज भी दे रहे थे, पैगाम भी दे रहे थे। आप सबकी इजाजत हो तो एक मैं अपना कलाम पढ़ लूं क्या? सदर मोहतरम की इजाजत हो जाए तो? नहीं सब, क्योंकि मैं निजामत कर रहा हूं तो मैं तो बिना सदर मोहतरम के इजाजत से एक कलाम, और एक कलाम यूट्यूब के लिए भी मैं दे रहा हूं, एक मैसेज। मैं चाहता हूं कि ये मेरा कलाम पूरे ये मुल्क में भी और मुल्क बैरूनी ममालिक में भी ये पहुंचे। एक बात और है, आप साफ समझ लें, एक बात मैं और कहता हूं, कहने वाले कह देते हैं, ये वो जो कहना होता है कह देते हैं, मैं कोई बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये कह रहा हूं कि ये मुल्क गुलदस्ता है। तबरेज भाई सुनिए, ये हाँ सर, ये मुल्क गुलदस्ता है, गुलदस्ता ही बना रहेगा। और गुलदस्ता बने रहने में ही इसकी खूबसूरती है। कोई माई का लाल इसके फॉर्मेट को चेंज नहीं कर सकता। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन, जब हमने 395 अनुच्छेद, 9 अनुसूचियां और 22 भाग के संविधान को जब 26 जनवरी 1950 को लागू किया तो पहला शब्द जो हमने दिया, हम, पहला शब्द हमने रखा हम। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने हेतु, मतलब पहला शब्द हम। हम का मतलब हिंदू, हम का मतलब मुसलमान, हम का मतलब सिख, हम का मतलब ईसाई, हम का मतलब बौद्ध, हम का मतलब जैन, हम का मतलब कि हिंदुस्तान की चार दीवारी में रहने वाले सारे लोग इस हम की परिधि में आते हैं। इसलिए मेरा मुल्क जो है इसलिए मोतबर है और मोहतरम है और महान है। एक बार अपने मुल्क के लिए जोरदार तालियां बजा दी, जोरदार तालियां। और एक एक हिंदू, एक एक मुसलमान, एक एक सिख कहने वाले कुछ कह देते हैं, ये वहां चले जाएं, वो वहां चले जाएं, मैं इशारे में बात कहता हूं, ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, एक एक लोगों के बाप का है और एक एक लोगों का हिंदुस्तान है। जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करिए, मैं अपना कलाम पेश करता हूं। मेरा देश संगम है, संगम रहेगा इंशाल्लाह, ये गंगा रहेगी, ये जमजम रहेगा, क्या कहना, मेरा देश संगम है, संगम रहेगा। बहुत खूब शंकर भाई, और हुस्न मतला देखें, बहुत सादा जबान में सब, देखिए अहले नजर हैं, डर भी लगता है लेकिन अपनी दुआओं से नवाजेंगे वो। के किसी से न हरगिज कभी कम रहेगा, किसी से न हरगिज कभी कम रहेगा। नसीम साहब, किसी से न हरगिज कभी कम रहेगा, वतन मेरा उत्तम है, उत्तम रहेगा, वतन मेरा उत्तम है, उत्तम रहेगा। बहुत खूब, मेरा देश संगम है, संगम रहेगा। बहुत खूब, और एक शेर बतौर खास पेश कर रहा हूं, इरशाद भाई। ये भारत है, ये प्यार की सरजमी है, ये भारत है, ये हमारा भारत, ये हिंदुस्तान, इसलिए मोहतरम है, इसलिए मोहतरम है कि मेरे सरकारे दो जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान की जानिब इशारा करके फरमाया था कि उधर से मोहब्बत की बू आती है। वाह, मोहब्बत की बू आती, इसलिए हिंदुस्तान मोहतरम है। हिंदुस्तान इसलिए भी मोहतरम है कि यजीद से मेरे इमाम ने कहा था कि मुझे हिंद की तरफ जाने दो। अरे सुन रहे हो तो लगे कि सुन रहे हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ तो ये बताएं कि आप तक ये बात पहुंची। अरे हिंदुस्तान इसलिए भी मोहतरम है कि आकाए दो जहां गुंबदे खजरा में जहां आराम फरमा रहे हैं, उनका कदमे मुबारक हिंदुस्तान की तरफ है। क्या कहने, हमको इस बात का फक्र है कि हम हर वक्त अपने आका के कदमों से, हमारी वाबस्तगी है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं,
और हिंदुस्तान तो इसलिए भी मोहतरम है कि काबा शरीफ का जो दरवाजा है वो हिंदुस्तान की तरफ खुलता है। क्या इसलिए भी हिंदुस्तान हमारा मोहतरम है। जोरदार तालियों से बताइए कि आप ये बात पहुंची कि काबा शरीफ का जो दरवाजा है वो हिंदुस्तान की तरफ खुलता है और मीजान रहमत जिससे होकर के ये छत काबे की छत का पानी जिससे होकर के गुजरता है जिस प्रणाले से होकर के मीजान रहमत उसका भी रुख हिंदुस्तान की तरफ है। क्या क्या इसलिए हमारा हिंदुस्तान प्यारा है। हिंदुस्तान इसलिए भी प्यारा है कि मुजज़ाए शक्कुल कमर की गवाही हिंदुस्तान ने भी दी। इसलिए भी हिंदुस्तान प्यारा है, मुजज़ाए शक्कुल कमर की गवाही केरल की धरती से हिंदुस्तान की सरजमीन से दी गई। इसलिए भी हिंदुस्तान प्यारा है। और पैगंबर अव्वल ये हजरत आदम अलैहि सलाम जब जन्नत से सरजमीन पर उतारे गए तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतारे गए, हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतारे गए जो अभी श्रीलंका में पड़ता है। इसलिए हिंदुस्तान हमको जान से भी ज्यादा प्यारा है। हिंदुस्तान इसलिए भी मोहतरम है के उनके शहाबजादे तबरेज़ भाई सुनिए एक मिनट रुकिए, उनके शहाबजादे हजरत शीस अलैहि सलाम का जो रोजे मुबारक है और वो रोजे मुबारक है हिंदुस्तान की सरजमीन पर है जो अभी अयोध्या में है। इसलिए हिंदुस्तान जान से भी ज्यादा प्यारा है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये भारत है ये प्यार की सरजमीन है, ये भारत है ये प्यार की सरजमी है, यहाँ बसे मोहब्बत का मौसम रहेगा, मेरा देश संगम है संगम रहेगा। एक एक हिंदू एक एक मुसलमान ये कह रहा है कश्मीर के लिए कि मैं केसर की क्यारी को बटने न दूंगा, मैं केसर की क्यारी को बटने न दूंगा, बदन में मेरे जब तलक दम रहेगा, मेरा देश संगम है संगम रहेगा। मक्ता सुन लीजिए कि ये ऋषियों की वलियों की धरती है शंकर, ये ऋषियों की वलियों की धरती है शंकर। ये खाजा का हिंदुस्तान, खाजा ये खाजगान, खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह संजरे अजमेरी का हिंदुस्तान। ये ऋषियों की वलियों ये हिंदुस्तान, अयम निज पुरोहिति गणना लघुचित साम उदार चरितान्तु वसुधैव कुटुंबकम, ये वो हिंदुस्तान है कि ये ऋषियों की वलियों की धरती है शंकर, तो दिया प्यार का कैसे माधव रहेगा, मेरा देश संगम है संगम रहेगा, ये गंगा ये जमजम रहेगा, यहाँ बस मोहब्बत का मौसम रहेगा, मेरा देश संगम है संगम रहेगा, मेरा देश संगम है संगम रहेगा।